तो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं व्हाट इज सीएफटी। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीएफटी क्या है, उसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि यार ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, किसको कहते हैं मेटल कार्बोनिल्स, किसको कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। हमारे डे टू डे लाइफ में हम सिनर्जिक इफेक्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इस सिनर्जिक इफेक्ट के ऊपर ही पूरी दुनिया चलती है। उसके साथ साथ आज हम देखेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहां कहां यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे किसको कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि यार क्या है ट्रांस इफेक्ट। इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज हम देखेंगे। जैसे कल हमने देखा था सीएफटी, और हमने देखा था सीएफटी में कि जो डी ऑर्बिटल्स थी पहले वो एक्साइटेड स्टेट में जाती है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो दो सेट में स्प्लिट अप हो जाती है, टीजी और टी2जी, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप कैसे गिनते हैं, वो एनर्जी गैप गिनने के लिए क्या होता है कि इसके ऊपर कोई तो भी लाइट गिराते हैं, और स्पेशली कौन सा लाइट, विजिबल लाइट। अब लाइट की एनर्जी होती है E=hc/λ, ठीक है, जहां पे c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 3×10^8 m/s, एंड एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी कैसी रहती है फिक्स, जबकि 6.626×10^-34 J/s, J/s, तो ये दोनों की वैल्यू फिक्स है, जिंदगी भर के लिए फिक्स है। अब रह गया चेंज कौन, लैम्डा। तो कौन से वेवलेंथ का लाइट अगर उसने एब्जॉर्ब किया, ये अगर हमें पता चल गया तो समझ गए हमें पता चल गई उसकी एनर्जी। और इस तरह इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टी2जी और कितनी एनर्जी खाएगा, जितनी इन दोनों के बीच का क्या होगा, एनर्जी का गैप। और इसीलिए ये टी2जी से ईजी में जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी। और कितनी एनर्जी, जितना इनके बीच में काय का गैप है, एनर्जी का गैप है, क्लियर है। तो जितना इनके बीच में एनर्जी का गैप है, उतनी एनर्जी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और यहां से यहां क्या कर देगा, जंप, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सब लोग, यहां से यहां जंप करेगा, तो इस तरह हमें ये एनर्जी गैप मतलब पता चलेगा। अब हम अगर सेम टाइप के लिगैंड लेते हैं, जैसे मेरे पास है CONH3/6 tri-methyl, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है COCl6 tri-. अब इसका भी जो CO है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है +3 है, और इसकी भी +3, ठीक है। कोई बोलेगा कहां +3 है, -3 है ना, है क्या कोई -3 वाला, अब वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चाहते हैं, जब हिसाब निकाल के दिखाएंगे तो हम क्या आएगा, दोनों की +3 है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसकी इसका भी ऑक्टेट्रल है, इसका भी ऑक्टेट्रल है, डिफरेंस क्या है कि ये NH3 लिगेंड है और ये Cl लिगेंड है, दोनों का इस तरह से स्प्लिटिंग हुआ, दोनों के ऊपर लाइट छोड़ा, दोनों के ऊपर लाइट छोड़ने के बाद पता चला कि ये इस केस में वो कम वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कम वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, और इस केस में ज्यादा वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एनर्जी डिफरेंस कम है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस, यहां पे एनर्जी डिफरेंस कैसा है, यहां पे एनर्जी डिफरेंस कम है और यहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो उसने सारे एक मेटल सब सेम, फक्त क्या चेंज किया, लिगेंड, और लिगेंड चेंज करके उसने हर एक की काइनेटिक वैल्यू निकाली, एनर्जी गैप। फिर उसने सबकी क्या है, दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हर एक की उसने CFSE निकाली, हर एक लिगैंड के लिए सेम मेटल कंसीडर करके, और हर एक की CFSE निकाल के फिर उसको क्या किया, जितने भी थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा वो या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE से क्या किया, उसको अरेंज, ठीक है। तो उसको एक अरेंजमेंट मिली कि क्या ये आयोडीन था, उसकी ऐसे पता चला उसको कि इसकी CFSE मतलब डेल्टा वो की वैल्यू सबसे कम, और फिर जैसे जैसे वो इधर इधर गया उनकी वैल्यू क्या होती गई, बढ़ती गई, और वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई, तो उसने एक वाटर तक जितनी लिगेंड है उन सब में ऐसा पाया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन यहां तीन पे है हो गए, चौथा इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कहा जाता है ऊपर, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती,
वहां पे एनर्जी गैप कैसा है? ज्यादा। ये यहां पे ज्यादा नहीं, कैसा है? कम, क्योंकि डेल्टा वो की वैल्यू भी कैसी है? कम। तो यहां तक की लिगेंड, और ऐसी लिगेंड को उसने फिर कहा कौन सी लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड। और वाटर के बाद की जितनी भी लिगेंड है उनके केस में उसने ऐसा पाया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन आया तो क्या कर रहा है? पेयरिंग। बराबर, पांचवा आया तो पेयरिंग, छठवा आया तो पेयरिंग। तो उनको उसने क्या नाम, क्योंकि क्यों करें पेयरिंग, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मतलब यहां से यहां पे जाना है, जैसे हमारा एक रूल है, समझो डी में चार इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरा इधर गया, तीसरा इधर गया। अब चौथे के पास दो ऑप्शन थे कि वो नीचे इधर ही पेयरिंग कर ले या ऊपर जाए। इधर पेयरिंग करेंगे तो एक रूम में कितने रहने पड़ेंगे? दो। लेकिन ऊपर का रूम का किराया ज्यादा है, अगर इसका किराया 10 रुपए और इसका किराया 11 रुपए है तो बोलेगा क्या यार, 1 रुपए के लिए एक रूम में दो रहना, चल जाते ऊपर ही रहते हैं, ठीक है? लेकिन मतलब इनके बीच का एनर्जी गैप कितना है? सिर्फ 1, 10 और ये एनर्जी गैप कम है। तो जब एनर्जी गैप कम रहेगा तो एक रूम में दो रहेगा क्या? नहीं। बोलेगा जानते ना 1 रुपए की बात है, चलो ऊपर चलते, बढ़िया अकेले रहेंगे, बढ़िया पढ़ाई करेंगे मन लगा के, है ना? ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर इसका किराया 10 रुपए नहीं, इसका किराया 18 रुपए है तो क्या बोलेगा? यार क्या निकालेंगे, एक रात की बात है, ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो क्या होगा, ये इधर ही क्या रहेगा, एक रूम में दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि एनर्जी गैप कैसा है? ज्यादा। तो जब एनर्जी गैप ज्यादा रहेगा तो नीचे ही क्या करवा लेंगे? पेयरिंग। और जब एनर्जी गैप कैसा रहेगा? कम, तो क्या होगा, नीचे पेयरिंग नहीं करेंगे, कहां जाएंगे? ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एनर्जी गैप कम तो नो पेयरिंग, और एनर्जी गैप ज्यादा तो पेयरिंग, समझ गए? और एनर्जी गैप ज्यादा कब रहेंगी? जब आने वाली लिगेंड कैसी रहेंगी? स्ट्रॉन्ग फिट। और इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेन द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फिट इट मेक्स पेयरिंग, बट व्हेन द लिगेंड इज वीक फिट देन नो पेयरिंग, ठीक है? वंस मोर, स्ट्रॉन्ग फिट, पेयरिंग, वीक फिट, नो पेयरिंग, ठीक है? अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फिट है तो पेयरिंग होगी, और अगर लिगेंड कैसी है, वीक फिट, तो पेयरिंग नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ध्यान रखेंगे। अब उसने ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर देने के लिए एक बढ़िया सा कोडवर्ड है कि डायरेक्ट बता दूं, शॉर्टकट में कहानी बता देता। एक राजा था, उसकी बहुत सारी क्या थी? प्रजा। प्रजा थी, रानी नहीं, ठीक है? बहुत सारी क्या थी? प्रजा, बराबर। और उसकी वो प्रजा से बड़ा प्यार करता था, मतलब उनको पैसे बांटता ही देता था। तो एक दिन उसने अनाउंस किया कि कल मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे के मुहूर्त पे या अवसर पे मैं पूरी प्रजा को क्या बांटने वाला हूं? पैसा। अब एक बच्चा था, उसका एक फ्रेंड दूसरे राज्य में रहता था। अब क्या हुआ, इसको पता है कि यार अपन कलेक्ट करके कितना कितना बोरे ले क्या ना, सब इसे बोला था उसने, ठीक है, ले जाके कितना ले पाएंगे। तो उसने अपने फ्रेंड को फोन किया, बोला कि इस फ्रेंड का नाम है थॉमसन। क्या नाम है इस फ्रेंड का? थॉमसन। अब इसने फ्रेंड को फोन किया, किसको? थॉमसन को। और थॉमसन को बोला कि थॉमसन इधर आ जा। तो उसने बोला आई पर थॉमसन। क्या बोला? आई पर थॉमसन। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, क्या बोला रे? आई पर थॉमसन। आई तो आई, बर थॉमसन, ठीक है? थायोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? थायोसाइनाइड। तो फिर उसने बोला आई पर थॉमसन, कल से, मतलब उद्या पासून, कल तो सीएल, से तो सल्फाइड, कल से नोट का, पैसे बांटना है, मुझे कहा बांटना है? नोटा। कल से नोट का, नोट तो NO3 निगेटिव, का काइस नहीं, ठीक है? कल से नोट का भी है। जनरली क्या होता है ना कि किसी को पैसा देंगे तो कुछ ना कुछ, या कोई हमें पैसा देगा तो हमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, या नॉलेज देना पड़ता है, या कुछ तो भी देना पड़ता है। लेकिन इधर जहां पे पैसा देने के बाद कुछ नहीं देना पड़ता, तो दैट इज कॉल्ड फ्री। तो नोटा कैसे मिल रही है? फ्री में। तो कल से नोट का फ्री हाई, फ्री तो फ्लूराइड, एंड हाई तो हाइड्रोक्साइड,
कल से नोट का फ्री है काय पे ऑक्सफर्ड वाटप कल से नोट का फ्री है ऑक्सफर्ड वाटप ऑक्स तो ऑक्सालेटो अनि पर तो परॉक्साइड ऑक्सफर्ड वाटप तो वाटर ठीक है ऑक्स तो ऑक्सालेटो कैसे डिनोट करते हैं ऑक्स परॉक्साइड परॉक्साइड O2 निगेटिव तो ये वाटर तो वाटर यहां तक की जो लिगैंड है वो सारी लिगैंड कौन सी है वीक फील्ड लिगैंड ठीक है इसके ऊपर नीट में जेई में सीटी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ठीक है चलो वंस मोर क्या कौन सा आई बर थॉमसन कल से ही हाई ऑक्सफर्ड वाटर ठीक ऐसे बोला तो दूसरे दिन था आ गया उसका अभी गए दोनों भी बोरे लेके ठीक है पैसा लेने तो अभी उसमें पैसे डाल रहे थे उसके बोरे में अपन बोलते ना एकदम फास्ट फास्ट जब पैसे डाल दिए थोड़ा आराम से डाल तो अपन तो वो बोलता है आइस था से इथे दे आता ठीक है ऐसे वो पैसा लेते हुए बोल रहे थे क्या बोल रहे थे आइस था से इथे दे आता ठीक है वंस मोर क्या बोलते थे आइस था आयिस्था से इथे दे आता आयिस्था से इथे दे आता ठीक है आयिस्था आयिस्था इथिडिन इडिटी हा सॉरी थायोसाइनेट होता आइसोथायोसाइनेट हा आई एस एन सी एस आई से आ गया आइसोथायोसाइनेटो आइस्था से हा इथे दे आता इथे दे आता ईडी ईडीटीए ध्यान में रखना अभी हा आइस्था से इथे दे आता उसके बाद हा फिर उसके बाद क्या हुआ उन्होंने पैसा वैसा कलेक्ट किया अब बंटवारा करना पड़ेगा तो बंटवारा करने के लिए कहां पे चले गए उसके रूम पे अब रूम पे गए अब इतना इतने दिन से फ्रेंड आया है ठीक है वो भी समर में तो उसके लिए उसने पीने की व्यवस्था की थी क्या आम का रस क्योंकि समर में हमारे घर में कोई भी आता है तो हम उनको क्या पिलाते हैं आम रस अरे पिलाते है ना तो उन्होंने भी वही व्यवस्था की थी तो उसके लिए हम आम रखे थे अब हम बोलते ना डिटेल में या बहुत पी तो उसने वो बोलते हैं डीप डीप पी मतलब बहुत पी पूरा पी तो इसलिए वो बोलता है पी आम इन डीप क्या बोलता है पी आम इन डीप ठीक है ध्यान में रखेंगे वंस मोर क्या बोलता है पी आम इन डीप पी आम इन डीप पी तो पिरिडीन आम तो अमोनिया पी आम इन इन तो इथिलीन डायमाइड डीप तो डायपिरिडीन पी आम इन डीप फिर उतने में उसको फोन आता है कोई तो भी अब वो पीने के चक्कर में फोन ऐसा उठाता है बाजू में रख देता है अब सामने वाला बहुत देर तक बातें करते रहता है अब उसको ये कोई रिप्लाई नहीं देता वो फोन कट कर देता है फिर से कॉल करता है फिर ये फिर से उठाता है फिर वो गाली बोलना शुरू कर देता है अरे पागल कहा था तू सबसे बोल रहा हूं तो बोलता है यार वो फोन कान को नहीं था नीचे था ठीक है इसलिए वो बोलता है कि वो फोन नहीं कान को क्या होता है वो फोन नहीं कान को वो फोन नहीं कान को तो बोलो क्या आई पर अरे बोला कि आई पर थॉमसन कल से नोट का ही है ऑक्सफर्ड वाटर आइस्था से इथे दे आता ही आम इन डी वो फोन नहीं कान को ठीक है वो फोन तो वो फेनांथ्रिन नाम की लिगेंड है वो फेनांथ्रिन नहीं नहीं मतलब एनओ थ्री निगेटिव कान कान मतलब सीएन निगेटिव हाँ यहाँ एनओ टू पहला एनओ थ्री जाना है ना सॉरी एनओ टू कान को वो फोन नहीं कान को क्लियर है चलो सब बोलेंगे वंस मोर क्या आंसर
आई फॉर अ थॉम्पसन, कल से नोट का बी हाई ऑक्सफर्ड वाटर, ठीक है। अभी ये जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए नीट में, ठीक है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर विच पोटेंशियल स्टैंड नो पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ सीएफएसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीएफएसी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इतनी सारी लिगेंड्स को क्या किया गया है, अरेंज, और इसी अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान रखेंगे तो अभी अभी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सी सीरीज कहेंगे बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डू यू अंडरस्टैंड? सो After studying this spectrochemical series, अब हम आगे के पॉइंट की तरफ चलेंगे। यहां तक क्लियर है? So, we have this is the which series? Spectrochemical series. चलाइजा, now next. After having this spectrochemical series, so two points we have seen, CFT, and this is the what spectrochemical series. Now we are discussing about the metal carbonyls. ठीक है? Which carbonyl? Metal carbonyls. अभी आपको पता है मेटल, यू नो वेरी वेल अबाउट द मेटल एंड वी हैव द ग्रेट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मेटल। मेटल है जा, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग बात हो रही है कि मेटल देने की जगह ले रहे। जैसे मैं निकेल की बात करूं, हमने ऑलरेडी निकेल की बात देखी है, हमने निकेल देखा है, यू नो वेरी वेल अबाउट द निकेल, एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इज 28, बराबर। और इसको अगर क्या होना है, स्टेबल, तो इसके बाद वाली कौन थी, क्रिप्टॉन, क्या था उसका एटॉमिक नंबर, 36। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 8, फिर कितने हो जाएंगे, 36। सो इट हैज नीड ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर इज अ नीड ऑफ हाउ मेनी, 4 लिगेंड्स। एंड यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द कार्बन, कार्बन इन GSH, वन लोन पेयर, टू ऑन पेयर, ऑक्सीजन हैज, तो ये दो अनपेड इधर क्या करेगा, शेयर, और ये बची उसकी कौन सी पेयर, लोन पेयर, और इसकी लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इसकी बिचारे की एक अलग अलग नेचर है बिचारे का, इसका इधर खुद के घर के खाने के वांदे, लेकिन ये दूसरों को मदद करता है। देखो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें भी 2, और ये 2, कितने हो गए, 6, बराबर। खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, खुद की चिंता नहीं, दूसरों का ऑक्टेट कंप्लीट करने जा रहा है, कौन, कार्बोनिल लिगेंड, ध्यान में रखना, कौन सी लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है, कार्बोनिल लिगेंड, महान है बिचारी, कौन, कार्बोनिल लिगेंड, क्यों, खुद का क्या कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट, और किसकी चिंता हुई है उसको, मेटल की, निकेल की, ठीक है। अब ये निकेल की, निकेल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, 4, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कहते हैं हम टेट्रा कार्बोनिल निकेल, क्या कहते हैं हम इसको, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और इन शॉर्ट वी कैन राइट इट इज द NiCO/4, This NiCO/4 is a tetracarbonyl nickel. तो यह एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसका नाम है बच्चों tetracarbonyl nickel. और यह tetracarbonyl nickel जो है, जो एक बहुत खतरनाक है, ठीक है, इसका अभी क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज सच ए टाइप ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स, क्योंकि यह मेटल है और ये कौन है, कार्बोनिल, कैसे बना, क्या है स्टेट, क्या ज्योमेट्री, एवरीथिंग वी ऑलरेडी सीन, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स, और इस मेटल कार्बोनिल में हम तीन बातें पढ़ेंगे एडिशनली, ठीक है। एक बात, यहां तक तो समझ गए आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बना वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग। अब इसमें नया क्या है, अगर मैं निकेल का एटॉमिक नंबर बात करूं तो कितना है, 28,
एंड इफ यू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अर्गॉन 18 3d 4s 2 4p 0 4d 0। और हमने देखा है कि यार यहां पे CO लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसकी पेयरिंग करेगी, और अगर इनकी पेयरिंग होगी तो वहां पे एक ऑर्बिटल कैसी रहेंगी? वैकेंट। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के काम में जाएगा 3d में, और 3d एक पे कितने जाएंगे? 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल वहां पे वैकेंट ना रहे इसलिए। तो यहां पे 3d में कितने हो जाएंगे? 10। 3d में कितने हो जाएंगे? 10। 4s में 0 और 4p में 0 और 4d में भी 0। अब ये s और ये 3 मिक्स करके उन्होंने क्या बनाया? sp3। और इधर sp3 के साथ CO ने कौन सा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिचारे का खुद का क्या कंप्लीट नहीं है? ऑक्टेट। और दूसरों की चिंता कर रहा है, दूसरों का ऑक्टेट कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या इस चक्कर में? ये मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर है 28। बचपन की बात हमने देखी थी, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके न्यूक्लियस के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। उतने ही उसके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर है 28, तो इसके न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज कितने? 28, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये हो गई फर्स्ट शेल, ये हो गई सेकंड शेल, और ये हो गई थर्ड शेल, बराबर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 28 इलेक्ट्रॉन थे, और न्यूक्लियस के ऊपर 28 पॉजिटिव थे, 28 निगेटिव, 28 पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते थे? कैंसर। और बेचारे खुशी खुशी सब रह रहे थे, किसी को नाला राग नहीं, को नाला लोभ नहीं। एका पॉजिटिव ला एक निगेटिव, क्या करो पिता? कैंसर, बराबर। परंतु झालं काय, ऑक्टेट कंप्लीट करायच्या चक्कर मध्ये याने काय केले? एक नाही, दोन नाही, 8 इलेक्ट्रॉन घेतले, पण त्याच्या चक्कर मध्ये काही दिले नाही। किती इलेक्ट्रॉन आले? 8, बरोबर। परंतु या इलेक्ट्रॉनला बॅलेन्स करायसाठी न्यूक्लियस वर ऍडिशनल 8 पॉझिटिव्ह आले का? नाही, बरोबर। आणि आपल्याकडे कॉन्सेप्ट आहे निगेटिव्ह, ठीक आहे, निगेटिव रिपल्शन, ठीक है, निगेटिव रिपल्शन। तो इनके बीच में क्या होने लगा? रिपल्शन। एक नहीं, दो नहीं, कितने निगेटिव आ गए? 8, जिसकी वजह से ये क्या महसूस करने लगा? रिपल्शन। वी हैव टू कॉन्सेप्ट मोर इज द रिपल्शन, जितना ज्यादा ता होगा रिपल्शन उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी, ठीक है। और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। तो ये बेचारा स्टेबल होने के चक्कर में क्या हो गया? अनस्टेबल, ठीक है, क्या हो गया? अनस्टेबल। अरे एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल, टू बिकम अ स्टेबल, अपने पापों का भुगतान करना पड़ेगा। अगर किसी के लिए है तो उसको भी कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी पे कुछ लिए है तो उसको भी कुछ देना पड़ेगा, जिंदगी का नियम है, ठीक है। आपकी आप भी, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी मस्त पैसे ले रहे हो, सेवा करवा के ले रहे हो, ठीक है, क्या क्या नहीं करवा रहे हो, ठीक है, अरे करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको भी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी आप बोलेंगे अभी क्या करेंगे? अभी कुछ से भी इतना करो, दिन रात एक करके पढ़ाई करो बस। अगर आपके माँ बाप आपके लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगी जिंदगी, ध्यान में रखना। और ये सारे जगह लगता है कॉन्सेप्ट, सारे जगह। अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है उसको भी कुछ देना, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। क्या कौन सा इफेक्ट? सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है, इसी को कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। और जब कोई हमको कुछ देता है, हम उसको कुछ देते हैं, और जब ये ऐसा होता है तो बॉन्ड क्या बनता है? और स्ट्रॉन्ग, समझ गए, बॉन्ड क्या बनता है? और स्ट्रॉन्ग। तो ध्यान
में रखना ये बात, ठीक है। आपका अभी क्या है, आपका फर्ज है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको उनको रिजल्ट लाके देना है। क्या लाके देना है? रिजल्ट। कोई चीज की कमी नहीं करते आपको, जैसा बोले वैसा सब कुछ करते हैं, ठीक है। बस आपको अभी खुद के लिए मत करो लगे तो पढ़ाई, किसके लिए करो? अपने पेरेंट्स के लिए। 4 महीने बाकी है अभी अपने पास, कितने? 4 एग्जाम के, नीट के एग्जाम के लिए। कितनी? 4 है कि 3 है? 4, ठीक है। 4 महीने पागल होके लग जाओ, पागल। सीटी, नीट और जेई का भी सेकंड अटेम्प्ट की अगर बात करें तो 3 से 4 महीने आपके पास है, पागल होके लग जाओ, ठीक है। जितना भी पढ़ा रहे घर को जाके एकदम ओरली करो अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो आपको जितना भी खिलाया पिलाया और क्या क्या आपकी सेवा की आपके घर वालों ने, उसका क्या होगा? ये रिफंड, ठीक है। कौन सा इफेक्ट? सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट, नहीं तो क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल, ध्यान में रखना। तो ऐसा इसको भी वो चीज रियलाइज हुई, किसको? मेटल को, कि यार अपने ऊपर इतने निगेटिव चार्ज आ गए, और बेचारा ये कोबाल्ट, आपके पेरेंट्स इसके कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल, आपके पेरेंट्स इनके जैसे होते, वो खुद के लिए एक खर्चा कम करेंगे, ठीक है, खुद के लिए एक खर्चा कम करेंगे, खुद के लिए चप्पल नहीं लेंगे, पहले आपको लेके देंगे, खुद के लिए एक चीज कम करेंगे लेकिन आपके लिए पहले करेंगे, ठीक है, बराबर। तो अभी आपका फर्ज है कि यार उन्होंने इतना अपनी लाइफ में क्या किया है, क्या किया, इतना क्या किया अपनी लाइफ में, सैक्रिफाइस किया है किसके लिए? आपके लिए। तो आपको थोड़ा उनको प्राउड फील करवा के देना है कि आपने सैक्रिफाइस किया तो ठीक है, हमने भी कुछ कर दिखाया, ठीक है। जब आप कुछ अच्छा ऑफिस और कुछ कर दिखाएंगे ना, आज अगर आप कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे, तो यार कल 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा। और जब बहुत अच्छा कर पाएंगे तो बढ़िया एक आधे क्या बोलते हैं, ट्रैवल एजेंसी में बोलेंगे, चलो ये 1,00,000 रुपए लोगो, मम्मी पापा ना फिरू नाना, ठीक है, ऐसा बोलेंगे, समझ गए? तो ध्यान में रखो, नहीं तो फिर अपने जो आंदे रहेंगे, अपने कोई कोई स्किल नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। अब मेरे पास कल एक नवीन अपॉइंटमेंट करनी थी, तो इंटरव्यू ले रहा था, दो एकदम बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों मिलके आ गए पास साथ साथ। अब दोनों साथ साथ मिल के आ गए, मैंने पहले एक का इंटरव्यू लिया, ठीक है, व्हाट इज द स्किल, आपके अंदर क्या स्किल है? तो 3 घंटे तक वो अपने स्किल्स बताते रहा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, ठीक है। फिर दूसरे को पूछा क्या स्किल है, ठीक है, बोले मैं टाइपिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूं। मैंने बुलाया वो, क्या बोलते थे, कीबोर्ड, ऐसे रहता ना, ठीक है, तो कीबोर्ड बुलाया, बोले कर टाइपिंग, मेरे तरफ देख के टाइपिंग कर, बोला नहीं, बोले तो ऐसा ऐसा कर रहा था, तो कहा है तेरे को तो सबसे अच्छा यही आता और ये भी अच्छे से नहीं आता, ठीक है, बोले थम बाहर, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद वो कि वही आके बोलता है कि नहीं मेरे को जॉब नहीं करना, ठीक है। तो दोनों इक्वल थे, बेस्ट फ्रेंड थे, बढ़िया फ्रेंड थे, ठीक है। तो स्किल्स की कदर होती है, ठीक है, क्या की स्किल्स की, नॉलेज की, ठीक है। इसलिए नॉलेज लो नॉलेज, ठीक है। एक बार की आदत लग गई ना नॉलेज लेने की, तो यार कोई भी एग्जाम रहो जिंदगी की, आदत पड़ी है, बुक पढ़ना दिमाग में भरना, बुक पढ़ना दिमाग में भरना, बस आदत लग जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके पेरेंट्स, जो खुद के लिए नहीं, किसके लिए करते हैं? आपके लिए। खुद का नहीं देखते पहले, खुद अनस्टेबल रहते हैं और आपको क्या बनाते हैं? स्टेबल। तो अभी कुछ समझदार बच्चे होते हैं निखिल जैसे, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार ऐसा नहीं, मेरा भी फर्ज बनता है, इसलिए ये इनकी जो ऑर्बिटल है, उस फील्ड डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, उस फील्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल के साथ क्या करता है? शेयर। पहले क्या किया कार्बोनिल ने, उसको इलेक्ट्रॉन देके, किसको? निकेल को। किसको स्टेबल किया? निकेल को। लेकिन बिचारे कार्बोनिल का क्या कंप्लीट नहीं था? ऑक्टेट। फिर निकेल ने उसकी फील्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल
बैटल के साथ क्या किए, शेयर। और हमारा कॉन्सेप्ट है जब पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो दूसरा बनाना है तो वो दूसरा क्या नहीं बना सकता, सिग्मा नहीं बना सकता, उसको क्या बनाना पड़ेगा, पाई ही बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से क्या बनाता है, पाई। और इस तरह से ये पाई बनाया इसने, आपको दो पाई नहीं बनाए, पाई बॉन्ड एक्चुअली लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है और लैटरल ओवरलैपिंग हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज विच बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय विच ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग। तो ये मैं ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ये मेटल है और ये कार्बोनिल लिगेंड है, और पहले कार्बोनिल लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया और फिर मेटल ने इसकी एंटीबॉन्डिंग के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड। इसी को कौन सा बॉन्ड बोलते, बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो ये है, तो ये मेटल, तो कितने बॉन्ड बने यहां पे, दो। अब बेचारा कार्बोनिल भी स्टेबल हो गया, उसका भी क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट, बराबर। उसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जो जो इच्छाएं है ना, बच्चा 12वीं में है तो चलो इस साल घूमने नहीं जाते, क्या किया पेरेंट्स ने, सैक्रिफाइस। बच्चा 12वीं में है तो किसी की पास वाली की शादी है तो मम्मी ने बोला कि जा, पप्पा ने बोला तुम्हें जाऊ नया, मैं घरी स्थापते, त्याला संध्याकाळी चहा करून द्यावे लागते, हे करून द्यावे लागते, ते करून द्यावे लागते, क्या किया, सैक्रिफाइस, बराबर। तो वो सारी कमी आप क्या करेंगे, रिजल्ट आके कंप्लीट कर देंगे। ध्यान में रखना, जिंदगी ही जिंदगी। तो इस तरह मेटल ने सीओ के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड इट फॉर्म्स द, फिर सीओ भी क्या हो गया, स्टेबल, मेटल भी क्या हो गया, स्टेबल। डू यू अंडरस्टैंड, वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज स्ट्रेंथन बाय अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग। एक टाइप की बॉन्डिंग क्या हुई, स्ट्रेंथन हुई, किसने स्ट्रेंथन की, अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड, वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज स्ट्रेंथन बाय अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम कहते हैं बच्चों सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। तो किसको कहेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड, व्हेन वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज स्ट्रेंथन्ड बाय अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। तो किस इफेक्ट को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट कहेंगे, डू यू अंडरस्टैंड, चलो वंस मोर, व्हेन वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज स्ट्रेंथन बाय अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग, देन इट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। तो यह है सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। और इस सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट में हमने देखा है कि दिस इज द मेटल कार्बोनिल एंड इसने इस तरह से बॉन्ड बनाए, और इसी इफेक्ट को हम नाम रखेंगे कौन सा इफेक्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। आफ्टर हैविंग दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट हम थोड़ा आगे चलेंगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ध्यान रखेंगे दिस इफेक्ट इज कॉल्ड विच इफेक्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। चलाइए समोर, आता हाँ है बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट, वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज स्ट्रेंथन बाय अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग, तो इसका नाम रखा हमने कौन सा इफेक्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट, क्लियर है। अब ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड को लेविस एसिड लिगेंड कहते हैं, दिस कार्बोनिल लिगेंड इज कॉल्ड विच लिगेंड, लेविस एसिड लिगेंड, क्योंकि लेविस एसिड क्या कहता है, आई, क्या कहता है, आई, व्हाट इज आई, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर। और ये ऐसी लिगेंड है, लिगेंड का सारी लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन की पेयर देना, लेकिन ये एक ऐसी लिगेंड है जो पहले देती है बाद में लेती है, सो इट इज कॉल्ड विच लिगेंड, लेविस एसिड लिगेंड। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो लेती है क्या बना के लेती है, पाई बना के, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाई एसिड लिगेंड।
कौन सी? हाँ, बाय एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलेंगे, बाय एक्सेप्टर लिगेंड, दिस इज आल्सो कॉल्ड बाय एक्सेप्टर लिगेंड और बाय एसिड लिगेंड. डू यू अंडरस्टैंड? सो ध्यान रखेंगे बच्चों, वी हैव दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड. तो दिस इज अबाउट द व्हाट सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट. सो व्हाट इज दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट? डू यू अंडरस्टैंड? अब इस सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. यहां पे मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कार्बोनिल की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. कहां में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? कार्बोनिल की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? मेटल. और आ कहां में रहेंगे? कार्बोनिल की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. और अगर इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ रहे हैं, कहां में आ रहे हैं? कार्बोनिल की एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में. कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. सो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय, बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय एमबी माइनस एनए अपॉन टू. दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉन्डिंग. तो इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं? एंटीबॉन्डिंग में, जिसकी वजह से एंटीबॉन्डिंग के क्या बढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन. और एंटीबॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़े तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बराबर. बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम. और इसलिए बॉन्ड ऑर्डर, तो अगर यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए कार्बोनिल में तो उसका ये जो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? कम. और CO का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे. और इसीलिए हम क्या कहेंगे? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब आएंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब आएंगे? जब मेटल को बड़ा टेंशन होगा, यार बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ गए जल्दी ले जाओ, तो मेटल को टेंशन कब होगा? जब मेटल के ऊपर का कौन सा चार्ज बढ़ेगा? निगेटिव चार्ज, बराबर. तो निगेटिव चार्ज अगर मेटल के ऊपर का बढ़ता है तो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन किसको देगा? एंटीबॉन्डिंग. तो एंटीबॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जल्दी बढ़ेंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जल्दी कम होगा. तो एज द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीजेस. And so the bond order of CO is directly proportional, no, inversely proportional to the number of negative charge on metal or complex. क्योंकि CO is a neutral ligand, तो complex के ऊपर जो charge है वही charge किसके ऊपर रहेगा? Metal के ऊपर रहेगा. और अगर metal के ऊपर positive charge है तो CO ने दिए हुए negative को वो positive charge क्या कर लेगा? Balance. और जिसकी वजह से CO को वो वापस इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो उसकी वजह से इसके Na के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा नहीं. मतलब पॉजिटिव ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा, या निगेटिव को इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो पॉजिटिव को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो नंबर ऑफ रिचार्ज पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल. ध्यान रखेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन मेटल और कॉम्प्लेक्स. सो वी हैव, दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर रिच ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर. व्हिच ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर. तो क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बॉन्ड ऑर्डर के रिलेटेड? डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन मेटल. दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO. नाउ आफ्टर हैविंग दिस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. सो दिस इज अबाउट द रिच ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर. तो दिस इज अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO. अब इसके अपोजिट बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो बॉन्ड लेंथ फिर
निगेटिव को डायरेक्टली और पॉजिटिव को इनवर्सली, ठीक है। दिस इज कंप्लीट अबाउट योर टॉपिक, दैट इज द रिच कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल्स एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। तो आज हमने अभी चार टॉपिक यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज मेटल कार्बोनिल एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सीधी सीधी बात, छोटी छोटी बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां कहां अप्लाई होते हैं, अप्लाई नहीं बोल सकते, यूज बोल सकते हैं, कहां कहां यूज होते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, हवा लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। कहां जाता है ये ऑक्सीजन, गांव में घूमने कहां जाता है बताओ, क्या बताना कहां जाता है, लंग्स में, और लंग्स से इसको सेल तक लेके जाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन। अरे क्या करता है, हीमोग्लोबिन, इट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरियर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन कैरियर। तो हीमोग्लोबिन, दैट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हीमोग्लोबिन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, हीमोग्लोबिन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, ठीक है। उसके साथ साथ विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, मंगिया, पान खाते, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, स्पेलिंग पाउंड इधर दोस्तों, फिर मंगिया, मंगिया इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ क्लोरोफिल, मैग्नेशियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नेशियम इज प्रेजेंट इन अ क्लोरोफिल, ठीक है। और सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन इज, अच्छा चलो, तो ये तो तीन कंपाउंड आपको ध्यान में रखने, उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सिस्प्लैटिन, बहुत पूछते इसको, NH3, यहां पे है Cl, यहां पे है Cl, ये है सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन, दिस सिस्प्लैटिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सेकंडली EDTA, EDTA इज यूज फॉर लीड पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग, लीड से अगर किसी को पॉइजनिंग हुई तो वो उतारने के लिए किसका यूज करते हैं, EDTA। सो दिस EDTA इज यूज टू रिमूव द विच पॉइजनिंग और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये सिस्प्लैटिन कैंसर, ध्यान में रखना, कैंसर सिस्प्लैटिन, लीड पॉइजनिंग EDTA, लीड पॉइजनिंग EDTA, ठीक है, लीड पॉइजनिंग EDTA, ठीक है, कैंसर सिस्प्लैटिन, ठीक है, कैंसर सिस्प्लैटिन। और हाइपोसोल्यूशन यूज किया जाता है, व्हाट इज हाइपोसोल्यूशन, Na2S2O3, थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ये फोटोग्राफी में जो AgBr यूज करते हैं उस AgBr के साथ इसकी रिएक्शन होती है और फिर ये उसमें डिजॉल्व हो जाता है और ये कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है H2O3/2 एंड कॉम्प्लेक्स कैरी हाउ मेनी निगेटिव, 3 निगेटिव, तो यहां पे बन जाता है Na3। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर हमें सिल्वर की कोटिंग करना है मेटल के सरफेस के ऊपर तो वहां पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K2CAgCN/2, दिस इज यूज फॉर विच प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग। तो सिल्वर प्लेटिंग के लिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करते हैं वो
एन बाय टू. तो इसके AgCN बाय टू इज यूज फॉर सिल्वर प्लेटिंग. और अगर गोल्ड प्लेटिंग करना है तो यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करते हैं के टू ए यू सी एन बाय टू. दिस इज यूज फॉर गोल्ड प्लेटिंग. तो इन दिस वे वी हैव दिस टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वन इज यूज फॉर सिल्वर प्लेटिंग एंड अनदर इज यूज फॉर गोल्ड प्लेटिंग. एक को हम सिल्वर प्लेटिंग के लिए यूज करते हैं और दूसरे को हम गोल्ड प्लेटिंग के लिए यूज करते हैं. एंड दिस इज कंप्लीट अबाउट योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, अब हम और एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है ट्रांस इफेक्ट. अपने दुश्मन को, अपने अपोजिटर को उखाड़ के फेंकने की टेंडेंसी को कहते हैं कौन सा इफेक्ट? ट्रांस इफेक्ट. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है व्हेन द सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड तो हम उसको क्या कहते हैं? सिस. एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड तो वी से इट इज ट्रांस. तो ये कौन है? ट्रांस. ये कौन है? ट्रांस. ये कौन है? सिस. तो क्या कॉन्सेप्ट है? When similar ligands are present on same side, तो cis. When similar ligands are present on opposite side, तो trans. Are you understanding? Same side, cis. Opposite side, trans. Are you understanding? Clear है? तो when similar ligands are present on same side, तो we say it is cis, and opposite side, तो we say it is trans. Clear है? तो क्या है? I just take here the one example. I have taken here a PtCl4 and we make its reaction with ammonia. So all are Cl. तो सबके अपने अपोजिटर को, ये अपने अपोजिटर को निकालता कैसे ये भी बता देता है. अभी अभी हमने देखा ये मेटल है. समझो यहां पे CO है और इधर Cl है, इधर भी Cl है और इधर NH3 है. और हम अभी यहां पे कोई तो भी और एक एनिस्ट्री लाना चाहते हैं. तो ये सेल है, ये सेल है. अब कौन सा सेल छोड़ के जाएगा? ठीक है, तो क्या होगा? ये प्लैटिनम है समझो, तो इट इज अ स्क्वायर प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स. अब ये सीओ इसको इलेक्ट्रॉन देगा बाय फॉर्मिंग द बीच बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और ये प्लैटिनम फिर इसको भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा. तो इनका अच्छा जमेगा. तो इनका अच्छा जमने के चक्कर में इसकी तरफ थोड़ा सा दुर्लक्ष होगा. अरे है ना, तो ये बॉन्ड लेंथ इधर कम हो गई और बेटर. तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी क्या होती है? क्योंकि ये पास आया ना, इसको डिस्टर्ब होगा तो ये थोड़ा सा दूर. पर जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक. जरा रागे त्याच्याकड लक्ष देते जास्त. ठीक है, अरे है ना. और जिस वजह से ये भी बन जाते मीन आएगा तो ठीक है, ये यहां से छोड़ के जाएगा. बराबर, ये बेचारा कुछ नहीं लोन पे दे रहा है, शांत बैठ रहा है. ठीक है, वापस दिए एक बार मांग नहीं रहा. तो इसलिए ये सेटिस्फाइड है, मैं इधर ही रहूंगा. लेकिन ये बोलेगा मैं इधर नहीं रहता. तो इसको किसने निकाला बाहर? इसने. तो अपने अपोजिटर को इजीली बाहर निकालना, सब्स्टिट्यूट करना, इसी को कहते हैं कौन सा इफेक्ट? ट्रांस इफेक्ट. तो किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है? भी सीओ. किससे? सीएल से नहीं, किससे? एनएच3 से. तो जाना तो सीएल को ही है, लेकिन कौन सा सीएल जाएगा? जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है उसके अपोजिट वाला जाएगा. तो किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है? तो कौन सा सीएल जाएगा? लाल की पांडरा? क्यों लाल जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए फिर ये NH3 यहां आएगा. NH3 यहां आया, डू यू अंडरस्टैंड? अरे समझ गए क्या? तो दिस इज कॉल्ड व्हिच इफेक्ट? ट्रांस इफेक्ट. ठीक है, इट इज द टेंडेंसी और इट इज द एबिलिटी ऑफ द लिगेंड टू मेक द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स अपोजिट लिगेंड इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट. द एबिलिटी ऑफ द लिगेंड टू सब्स्टिट्यूट टू मेक द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अपोजिट लिगेंड, द एबिलिटी ऑफ द लिगेंड.
सॉल्यूशन ऑफ इट्स अपोजिट लिगेंड इट्स कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट? ट्रांस इफेक्ट. हैव यू रिटर्न? अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं. एक अब सबको पता ही है, जैसे आपकी ज्यादा आपकी नहीं बाहर के बच्चों की, ठीक है, पढ़ाई करने की उम्र और प्यार करने की उम्र दोनों भी कैसी होती है? सेम. अब कोई कोई लोग इधर भटक जाते हैं और बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं. आपके जैसे बच्चे देखो कितने सीरियसली पढ़ाई कर रहे, वेरी गुड. तो एक ऐसा ही दो फ्रेंड रहते और एक दूसरा रहता बीरबल चंद, इसका लव मैरिज हुआ रहता है. ये बताता है कि इसको बताता है किसको? बीरबल चंद को, कि बीरबल चंद प्यार का सफर नहीं इतना सस्ता. सस्ता ही ना, प्यार का सफर नहीं इतना सस्ता. किसको बता रहा है? बीरबल चंद को, ठीक है. तो इसीलिए वो बोलता है प्यार का सफर कौन सी लिखे थी? सफर नहीं फिर नहीं इतना सस्ता. फेमिन थी बीच में. प्यार का सफर फिर नहीं, ये ऑर्डर है ट्रांस इफेक्ट का. कौन सी लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट का पावर ज्यादा है? ठीक है, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं, नहीं प्यार. चुप लगा, हाँ, कान का इलाज वाला है ना, पहले ही घूम गया था. प्यार का सफर फिर नहीं इतना सस्ता, इतना हाँ सिटू इथिल, ठीक है, इतना सस्ता. हाँ आए बनेगा अजून ये ना ते कुछ तरी तिकड़े आए नहीं. इतना सस्ता एसियन, इतना सस्ता. बीरबल चंद, बीरबल चंद, बीरबल वरुण बीआर, चंद वरुण क्लोरीन, CHAND. ये एक ऑर्डर है और इसके पहले का है कान को नो इलाज, ठीक है, कान को नो इलाज. बस एवढंच आहे ना, कान मतलब CN, पीर को पीर नो नो एनोस इलाज इतना इतनी, ठीक है. तो ये है हाँ, हाँ इसके बाद है, ठीक है, यहां तक कान को नो इलाज, प्यार का सफर नहीं इतना सस्ता. बीरबल चंद फिर उसको पिलाता है वो क्या? आम. तो बोलता है पी आम कशे आए फ्री है पी प्यूरिन आम अमोनिया फ्री प्यूरिन है हाइड्रोक्साइड रिमेनिंग वी डिस्कस टुमारो. तो आज के इस लेक्चर में हमने ये बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं. आशा करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. लेकिन ये पढ़ाई करने के बाद सिर्फ ये लेक्चर करने से आपको फायदा नहीं होगा. जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से बार बार लिख के देखो, उसको ओरली करो, उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करो. ये कुछ डाउट है तो मुझे जरूर पूछो, ठीक है. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. कल के लेक्चर में हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा. कल हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और परसों से हम नया यूनिट शुरू करेंगे. चलो ठीक है.